देखिए, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है कि जो भजन लाल शर्मा है सांगानेर से, जो प्रत्याशी थे उनको सांगानेर से इस बार उतारा गया था। और एक बहुत चौंकाने वाला नाम मैं अगर बताऊं तो सबसे बड़ा चौंकाने वाला नाम ये साथ था। उसके बाद आप स्थिति देख सकते हो कि बीजेपी कार्यालय के जो बाहर इस रोड को बंद कर दिया गया है, जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके नारे यहाँ पर लग रहे हैं। लोगों से कुछ बात करने का प्रयास भी यहाँ पर करेंगे कि आखिर जो इस तरह का जो फैसला आया है, भजन लाल शर्मा जो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री राजस्थान के बने हैं, एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला जो नाम है वो यहाँ पर सामने आया है। हर किसी के जो मन में है वो कहीं ना कहीं दिग्गजों का नाम यहाँ पर चल रहा था, लेकिन उसके बाद अब जिस तरह से अब ये जो नाम है भजन लाल शर्मा का वो सामने आने के बाद सब तमाम कयास हैं, तमाम जो कयास है वो यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। क्या कुछ लोग कहते हैं उनसे बात, भजन लाल राजस्थान का एक ही लाल, बिल्कुल सही फैसला किया है। अपना जीवन का लगभग 15 वर्ष इन्होंने प्रदेश महामंत्री रहते हुए भारतीय जनता पार्टी की सेवा करी है, एक सामान्य कार्यकर्ता से और इनको मुख्यमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचा है। बिल्कुल सही निर्णय है मोदी सरकार का, और राजस्थान में एक सामान्य कार्यकर्ता का एक सम्मान बढ़ाया है। राजस्थान का एक ही लाल भजन लाल, मोदी जी ने जो भजन लाल के बारे में फैसला लिया वो श्रेणी है एकदम फर्स्ट क्लास। और भजन लाल से हम उम्मीद करेंगे कि राजस्थान की जो प्रयाम है, ये भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी संभव है। जिस प्रकार से पहली बार विधायक है भजन लाल शर्मा, उसे पार्टी ने विधायक बनाया, भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी हो सकता है। छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी में मौका मिलता है। मोदी 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 जी, मोदी मोदी सरकार को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद हो। हमें हमारा राजस्थान का सीएम जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता दिया है, जो हमारे बीच में रहा है शुरू से, हम स्वागत करते हैं और गुड गवर्नेंस दिया है। जय जयकार हो भाजपा सरकार को। मोदी 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 मोदी, आज ये भजन लाल जी का नाम साबित करके मोदी जी ने साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता बेस पार्टी है। तीनों स्टेटों के जो सीएम का जो नाम दिया है, आम कार्यकर्ता को उन्होंने सीएम बना के साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का एक आम कार्यकर्ता जब एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकता है तो मुख्यमंत्री भी बन सकता है। जो तीनों नाम प्रदेश के जो स्टेट के नाम है, वो तीनों नाम ऐसा है जिसका मीडिया ने भी आंकलन नहीं कर पाई और मीडिया भी उनका नाम नहीं ले पाए, उस नामों को अचंभित कर दिया पूरे देश की जनता को। और आने वाले 24 के चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी 400 प्लस पहुंचेगी आम कार्यकर्ताओं की पार्टी होने के नाते। अगले आने वाले 2024 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री 400 प्लस सीटों से विजयी होगा और देश का पुनर्निर्वाचन करेगा। ये जो लोग थे उनका कहना था कि एक आम ऐसा जो कार्यकर्ता था जिसको सांगानेर से टिकट दिया गया यहाँ पर, और उसके बाद जो फैसला आज यहाँ पर दिया गया है ये चौंकाने वाला है। देखिए, कई बड़े नामों के जो कयास थी वो लगातार यहाँ पर लगाए जा रहे थे, शायद वसुंधरा वापस बनेंगी या फिर अश्विनी वैष्णव, गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी, ये तमाम ऐसे कुछ नाम थे जिनको लेकर लगातार चर्चाएँ बन रही थी। लेकिन अब इन चर्चाओं पर विराम लग गया है और सांगानेर से जो विधायक हैं भजन लाल शर्मा, उनको सीएम की कमान यहाँ पर सौंपी है। एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला जो नाम है वो यहाँ पर सामने आ रहा है। कहीं चर्चाओं में नहीं थे, पिछले 9 दिन से कोई चर्चा इनको लेकर नहीं थी कि आखिर जो भजन लाल है वो भी राजस्थान के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से लोगों ने कहा कि एक आम जो कार्यकर्ता है उसको जिस तरह से आगे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, तो उसके बाद कुछ भी जो फैसला है या फिर जो भी चौंकाने वाले जो फैसले हैं वो आगे भी इस तरह के लगातार आते रहेंगे। बहरहाल, तो आप देख सकते हैं कि जो बीजेपी कार्यालय के जो बाहर हैं इस तरह की जो चर्चाएँ हैं वो लगातार चल रही हैं। लोगों में खुशी जो हुजूम है वो देखने को मिल रहा है। लोग कहीं ना कहीं ये भी एक चौंकाने वाला मामला था। हालांकि मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री की भी शायद यहाँ पे घोषणा हो सकती है, और कौन यहाँ पे उप मुख्यमंत्री होगा इसके नाम पर भी कयास है। फिलहाल तो बीजेपी कार्यालय के बाहर जो भीड़ है आप देख सकते हैं, पूरी जो सड़क है इसको जाम कर दिया गया है। यहाँ पर
और एक बहुत बड़ा जो फैसला है वो यहाँ पर माना जा रहा है। लोगों की भीड़ है यहाँ पर, सांगानेर से जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। जो उत्साह है वो अलग ही, एक अलग उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ लोग भी हैं, उनसे बातचीत का यहाँ पे प्रयास करते हैं। एक बहुत ही चौंकाने वाला नाम सर, चौंकाने वाला नाम तो इसलिए है कि मोदी जी करते ही चौंकाने वाले काम है। आज तक मोदी जी ने जो किया है चौंकाने वाला काम किया है, और बहुत अच्छा कैंडिडेट चला है। इसको सर्व समाज का साथ मिलेगा और बहुत अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमने सोचा था कार्यकर्ता निकल के आएगा, संघ के आदमी है, बहुत अच्छा काम करते हैं। मोदी जी है कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मोदी जी है, साफ सब कुछ मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, लोग कह रहे हैं आम कार्यकर्ता को विधायक और विधायक से मुख्यमंत्री का सफर। मोदी का काम ही चौंकाने वाला है तो बढ़िया होगा। और मध्य प्रदेश में चौंकाया था उम्मीद लगी रही थी। एक सामान्य कार्यकर्ता को उठा के उन्होंने सीएम तक पहुंचाया, यही बीजेपी का और कांग्रेस का फर्क है। सामान्य कार्यकर्ता जो चार बार संगठन मंत्री रहे, जमीन पर खूब काम में गया, बिल्कुल लोअर लेवल कार्यकर्ता, उनको मुख्यमंत्री, बहुत अच्छी बात है। ऐसा लग रहा था कि इस तरह का कोई चौंकाने वाला फैसला लग रहा था। मोदी जी नाम बताइए, चौंकाने वाले नाम बताइए, हम बहुत खुश हैं मोदी जी काम से। मोदी जी काम हमेशा चौंकाने वाले ही करते हैं। कौन सोचा था 370 धारा के बारे में, कौन सोचा था राम मंदिर निर्माण के बारे में, और मोदी जी है तो मुमकिन है। मोदी जी की गारंटी सबसे बड़ी गारंटी है। मोदी जी जिंदाबाद। मोदी है तो मुमकिन है। आम कार्यकर्ताओं का, कार्यकर्ताओं के बीच में से लाकर भजनलाल जी को जो सीएम का पद दिया है, सभी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और कार्यकर्ता बहुत खुश है। एक आम कार्यकर्ता की बात कही जा रही है, एक आम कार्यकर्ता संगठन जो महामंत्री की जो कमान थी वो उनके हाथ में थी। लगातार बीजेपी कार्यालय में उनको दौड़ धूप करते हुए भी देखा जाता था। संगठन से जुड़े जो काम थे उसके अंदर उनको कई बार जो उनकी जो कमान थी वो उनके हाथ में थी। और उसके बाद भरतपुर के ये रहने वाले हैं, और जब टिकट वितरण हुआ था तो इनको सांगानेर से उतारा गया था। देखिए सांगानेर में लगातार विरोध भी हुआ, कुछ ऐसी संभावनाएं भी बन रही थी कि शायद चुनाव जीतना इनके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छे अंतर से भजनलाल शर्मा हैं वो यहाँ पर चुनाव जीते, और एक जो चेहरा है वो यहाँ सामने आया है। और लोगों का जिस तरह से कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चौंकाने वाले नाम देखने को मिले थे, तो राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही कयास लगाया जा रहा था, और ये कयास यहाँ पर जो है साबित भी हुआ है। देखिए कि किस तरह से पिछले 9 दिन से जो लगातार चर्चाएं थी कि ये बड़ा नाम बन सकता है, वसुंधरा राजे फिर आ सकती हैं, अश्विनी वैष्णव हो सकते हैं, किरोड़ी लाल मीणा हो सकते हैं, और ऐसे तमाम कई नाम थे जो लगातार चर्चाओं में यहाँ पर बने हुए थे, लेकिन अंततः इन पर विराम लग गया है। हालांकि जो पर्यवेक्षक की भूमिका में राजनाथ सिंह यहाँ पहुँचे थे तो एक एयरपोर्ट से सीधे वो एक होटल भी गए, वहाँ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ उन्होंने कम से कम 1 से 1.5 घंटे वहाँ पर बैठकर चर्चा भी की। शायद मनाने का काम वहाँ पर चल रहा था, सीपी जोशी मौजूद थे, इसके अलावा कुछ बड़े ऐसे नेता भी उस समय वहाँ मौजूद थे। और जब सब कुछ ठीक हुआ तो बीजेपी की जो विधायक दल की बैठक थी वहाँ राजनाथ सिंह पहुँचते हैं, और कुछ ही समय के अंदर, देखिए मुश्किल से बैठक 10 से 15 मिनट चली, और जो भजनलाल शर्मा का जो नाम था वो यहाँ सामने आ गया। अब एक ब्राह्मण चेहरा है वो यहाँ पर सीएम बना है, तो शायद किस तरह से ये पूरे समीकरण है इन पर जरूर चर्चाएं बाद में यहाँ पर होगी कि ब्राह्मण चेहरा लाने के आखिर, देखिए लंबे समय बाद कोई ब्राह्मण चेहरा राजस्थान की जो राजनीति है उसके अंदर आया है, और एक मुख्यमंत्री का चेहरा है वो हमें देखने को मिला है, लेकिन इस समय तो लोगों का हुजूम है वो देखने को मिल रहा है। लगातार देखिए कि आप किस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो हुजूम है लोगों का वो यहाँ पर बना हुआ है। हम हमारे सहयोगी से कहना चाहेंगे कि एक बार वो नज़ारा दिखाए कि किस तरह बीजेपी कार्यालय के बाहर की जो रोड थी उसको बंद कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद अब जो हुजूम है वो यहाँ पर पहुँच चुका है, और लोगों का कहना है कि इस तरह के फैसले लेने के लिए मोदी को जाना जाता है, चौंकाने वाले फैसले हैं उनको लेने के लिए मोदी को जाना जाता है, और ऐसा हमने छत्तीसगढ़ में भी देखा, ऐसा हमने मध्य प्रदेश में भी देखा।